चलो बच्चों, तो आज हम एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं और ये कॉन्सेप्ट है गुड्स रिटर्न बाय कंसाइनी। समझ लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को, क्या है ये कॉन्सेप्ट। कंसाइनमेंट में हमारे पास दो पार्टी हैं, एक है हमारे पास कंसाइनर और दूसरा है हमारे पास कंसाइनी। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो कंसाइनर ने कंसाइनी को एक पेन सेंड किया, पेन का एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं। कंसाइनर ने कंसाइनी को पेन, तो बच्चे बहुत सारे सेंड किए होंगे, समझने के लिए हम मान लेते हैं एक पेन जिसकी कॉस्ट थी 20 रुपये। ये पेन की कॉस्ट थी कंसाइनर के पास जब कंसाइनर ने इस पेन को मैन्युफैक्चर करवाया या फिर कंसाइनर ने इस पेन को कहीं से प्रोक्योर किया, परचेज किया। कुछ भी हो सकता है, कंसाइनर मैन्युफैक्चरर भी हो सकता है और कंसाइनर ट्रेडर भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी हैं। तो कंसाइनर ने एक पेन मैन्युफैक्चर किया या फिर प्रोक्योर किया जिसकी कॉस्ट मैन्युफैक्चरर को आई 20 रुपये। अब कंसाइनर ने ये पेन कंसाइनी को भेज दिया। जब भेजा तो डेफिनेटली रस्ते के कुछ एक्सपेंस होंगे। रस्ते के एक्सपेंस कौन कौन से हो सकते हैं, एक रफली समझ लेते हैं। मान लो कि फ्रेट के लिए पे किया होगा कुछ ना कुछ, कुछ टैक्सीस, कुछ ड्यूटी पे की होंगी, कुछ लोडिंग चार्जेस हो सकते हैं, कुछ अनलोडिंग चार्जेस हो सकते हैं, कुछ इंश्योरेंस हो सकता है, कुछ पैकिंग्स वगैरह हो सकती हैं। तो इस तरह से रस्ते के लिए कुछ एक्सपेंसेस कंसाइनर ने किए और कुछ एक्सपेंसेस कंसाइनी ने भी किए रस्ते के लिए। तो फाइनली जब ये पेन कंसाइनी के पास पहुंचा, कंसाइनी के गोडाउन तक पहुंचा, तो इसकी कॉस्ट इंक्रीज हो गई होगी। कॉस्ट क्यों इंक्रीज हो गई होगी, ड्यू टू ऑल दिस एक्सपेंसेस। अब डिपेंड करता है कितने पेन भेजे हैं, कितनी क्वांटिटी भेजी है। टोटल ये जो कॉस्ट होगी उसको हम क्वांटिटी से डिवाइड कर दें तो पर यूनिट कॉस्ट भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इस पेन को कंसाइनी तक भेजने के लिए पर यूनिट कॉस्ट क्या आई होगी, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। रस्ते के सारे एक्सपेंस डिवाइड बाय कितनी क्वांटिटी भेजी जा रही है। 10,000 पेन भेजे जा रहे हैं, 1 लाख रुपए खर्च हुआ, तो 1 लाख डिवाइड बाय 10,000 और उसके बाद 10 रुपये ईच पेन की कॉस्ट आ गई। इस तरीके से हम कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। मान लेते हैं कि रस्ते में 2 रुपये पर पेन खर्च हुए, रस्ते में जो भी टोटल कॉस्ट आती है 2 रुपीज पर पेन की कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। तो जब ये गुड्स कंसाइनी तक पहुंचेंगी, ये 2 रुपये दोनों के मिला के मान रहा हूँ मैं, कंसाइनर के भी कुछ हैं इसमें और कंसाइनी के भी कुछ हैं रस्ते में कंसाइनी तक पहुंचने तक के लिए जो खर्चा हुआ। तो जब ये गुड्स कंसाइनी तक पहुंचे, कंसाइनी के गोडाउन तक पहुंचे, तो 20 + 2 इसकी बच्चे कॉस्ट हो चुकी थी 22 रुपये। याद होगा जब हम वैल्यूएशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक निकालते हैं, कंसाइनर के एक्सपेंस ऐड करते हैं, कंसाइनी के नॉन रिकरिंग एक्सपेंस ऐड करते हैं और उसके बाद जो वैल्यू आती है उसको क्वांटिटी से डिवाइड करके क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालते हैं। तो ये वही चीज़ है कि रस्ते के एक्सपेंस ऐड हो गए और 22 रुपये कॉस्ट कंसाइनी को इस पेन की पड़ गई। अब बात आती है जो आज हम नया कॉन्सेप्ट समझने जा रहे हैं उसकी अगर हम बात करें तो बच्चे, अब सम टाइम्स ऐसा हो सकता है कि कंसाइनी के पास कुछ पेन तो सेल हो गए लेकिन कुछ पेन कंसाइनी के पास सेल ही नहीं हो रहे, उसकी मार्केट ही नहीं है वहाँ पर, काफ़ी टाइम से कंसाइनी के पास रखे हैं बिके ही नहीं, या फिर उसके अंदर कुछ और डिफेक्ट का इशू भी हो सकता है, कुछ और चीज़ें भी हो सकती हैं। तो क्या हुआ, कंसाइनी ने इस गुड्स को रिटर्न कर दिए, इस गुड्स को वापस कंसाइनर के पास भेज दिया, इसको रिटर्न कर दिए।
इसको बोलते हैं गुड्स रिटर्न्ड बाय कंसाइनी टू द कंसाइनर। गुड्स वापिस भेज दिए, जब गुड्स को वापिस भेजेंगे तब अगेन हमें रास्ते के एक्सपेंसेस बियर करने होंगे, क्लियर। जब वापिस करेंगे तो फिर से हमें फ्रेट पे करना होगा, ऐसा तो है नहीं कि ट्रांसपोर्टेशन वाला बोलेगा अच्छा अच्छा ये रिटर्न हो रहे हैं, बिके नहीं हैं, अच्छा डैमेज है, कुछ नहीं होता, मैं फ्री में पहुंचा दूंगा, ऐसा तो नहीं होगा। रास्ते में फिर से फ्रेट पे करना पड़ेगा, फिर से ड्यूटी पे करनी पड़ सकती है, फिर से लोडिंग अनलोडिंग पे करनी हो सकती है, फिर से इंश्योरेंस पे करना हो सकता है, फिर से पैकिंग, रास्ते के कुछ और एक्सपेंसेस भी हमें करने पड़ सकते हैं। तो ये एक्सपेंसेस भी हमारे कंसाइनमेंट का पार्ट बन जाएंगे, ये एक्सपेंस भी कंसाइनमेंट के लिए ही हो रहे हैं। कुछ गुड्स रिटर्न होते हैं तो कुछ उसके लिए रिटर्न के लिए एक्सपेंसेस हो गई तो वो भी मेरे कंसाइनमेंट का पार्ट बन जाएंगे। तो कंसाइनमेंट में जैसे मैं डेबिट में एक्सपेंसेस लिखता हूँ, वैसे ही गुड्स रिटर्न के लिए अगर कुछ एक्सपेंसेस करने पड़े तो उसको भी मैं कंसाइनमेंट के डेबिट में ही लिखूंगा। अब डिपेंड करता है कंसाइनर ने किए तो कंसाइनर वाले हेड में, टू कैश बैंक उस हेड में, और कंसाइनी ने एक्सपेंस किए तो कंसाइनी तो ये एक्सपेंस अपने रीइंबर्स करेगा ही करेगा, मतलब वापस लेगा ही लेगा, रिकवर करेगा ही करेगा, कंसाइनर को रीइंबर्स करने ही होंगे। अगर ये एक्सपेंस कंसाइनी ने किए तो ये कंसाइनी के हेड के अंदर आ जाएंगे। एक तो बात होगी गुड्स रिटर्न करने पे जो भी एक्सपेंसेस होते हैं ये एक्सपेंस कंसाइनमेंट में बुक होंगे, क्लियर। दूसरी जरूरी चीज जिसकी बात अब हम करने जा रहे हैं वो ये है कि जब ये गुड्स रिटर्न किए तो क्या लगता है, फिर से हमारे गुड्स की कॉस्ट इंक्रीज हो जानी चाहिए। जब कंसाइनी के पास ये पेन था तो 22 रुपए का था, और ये पेन जब रिटर्न किया गया कंसाइनर को, वापस भेजा गया, तो बच्चे रास्ते के कुछ एक्सपेंस और हो गए। मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर मुझे फिर से 2 रुपए का खर्चा करना पड़ा, फिर से 2 रुपए का खर्चा हो गया। कम भी हो सकता है, हो सकता है वापस भेजते हुए मुझे कुछ, मैं इंश्योरेंस नहीं लूँ या फिर मैं वो स्पेशल पैकिंग ना करूं, कम भी हो सकता है, बट मान लेते हैं 2 रुपए का खर्चा हुआ, कुछ तो खर्चा होगा ही होगा, फ्री में तो पहुंचेंगे नहीं। तो जब ये 2 रुपए का खर्चा करना पड़ा और ये गुड्स दोबारा से कंसाइनर के पास पहुंचे, अब ये गुड्स आ गए फिर से कंसाइनर के गोडाउन में, यहां से चले थे और वापिस यहां पर आ गए, 22 रुपीज के कंसाइनी के पास से चले, रस्ते का 2 रुपए का खर्चा पर पेन, अगर मैं इसको ऐड करूं तो कंसाइनर के पास जब ये पहुंचे होंगे तो बच्चे ये पेन 24 रुपीज का हो गया होगा। कैसे, कंसाइनी के पास 22 रुपए का था, रस्ते के एक्सपेंस ऐड कर दें, फिर से गुड्स की लोकेशन चेंज हो गई तो कॉस्ट फिर से ऐड कर दे, 24 रुपीज के कॉस्ट के गोडाउन में पहुंच गए, क्लियर। यहां तक तो ये बात समझ आ जाती है। अब जो बहुत जरूरी चीज समझने की है, थोड़ा सा अटेंशन देकर इस पॉइंट को समझना, वो क्या है, वो ये है, कंसाइनर के गोडाउन में ऑलरेडी कुछ ऐसे पेन भी रखे हुए हैं जो कंसाइनी से रिटर्न होकर नहीं आए हैं, उसने प्रोक्योर किए हैं या फिर मैन्युफैक्चर किए, तो ऐसे पेन भी रखे हुए हैं गोडाउन में, जिसकी अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो उसकी कॉस्ट क्या है, उसकी कॉस्ट है 20 रुपीज पर पेन, क्लियर। और अब जो पेन रिटर्न होके आ गए हैं, ये पेन भी गोडाउन में आ गए, इस पेन की कॉस्ट मान लो अगर मैं कहूं 24 रुपीज है, अगर मैं इसकी कॉस्ट 24 रुपीज बना देता हूं, जो कि हमें दिख रहा है कि 24 रुपीज इसकी कॉस्ट हो गई है, तो कंसाइनी के गोडाउन में सेम तरह के पेन रखे हुए हैं कंसाइनी कंसाइनर के गोडाउन में, और कंसाइनर ने कुछ पेन की कॉस्ट अपने पास 20 रुपए रखी हुई है और कुछ सेम पेन तो बदल नहीं गए हैं, रिटर्न होके वापस आ गए हैं क्योंकि वहां नहीं बिक रहे थे, कंसाइनी की मार्केट में सेल नहीं हो रहे थे, कंसाइनर ने कहा वापस भेज दो,
हमारे यहाँ पे बिक जाते हैं, मैं भेज दूंगा। तो कंसाइनी ने वापिस भेज दिए थे, तो कंसाइनर के पास सेम गुड्स वापिस आ गई। अब मान लो उसकी कॉस्ट बढ़ गई और 24 रुपए पे मैंने उसको रिकॉर्ड कर लिया। अब वहां पर कस्टमर पेन लेने आया कंसाइनर के पास। अब कस्टमर बच्चे, कंसाइनर भी अपना साइड बाय साइड बिजनेस तो करता रहता है, वो भी अपने अपने बेस पे अपने पास जितना बिक सकते हैं पेन वो सेल करता है, बाकी कंसाइनी को भी भेजता है, एजेंट को भी भेजता है और खुद से भी सेल करता है। तो जब अब कंसाइनर के पास कस्टमर आया कि मुझे एक पेन दे दो, तो कंसाइनर ने क्या किया, कंसाइनर ने ये वाला पेन उठाया जो रिटर्न होके आया था और इस पेन को उठाकर कस्टमर को दे दिया और कहा ये पेन 25 रुपीज का। कस्टमर ने कहा 25 रुपीज कैसे, ये पेन तो मैं पहले भी आपसे ले जाता हूं और आप 21 रुपीज का देते हो, 21 रुपए का देते हो, तो ये 25 का कैसे। तो कंसाइनर ने बोला देखो मेरे को 1 रुपया प्रॉफिट रखना होता है, मेरे को पेन पड़ता है 20 रुपए का, तो मैं 20 रुपए में 1 रुपया प्रॉफिट रख के 21 रुपए का बेच देता हूं। अब क्योंकि ये जो पेन मैं आपको दे रहा हूं ना, ये मैंने पहले कंसाइनी को भेजा था और वहां से रिटर्न होके आ गया था, और रिटर्न होके आ गया तो फिर ये मुझे 24 रुपीज का पड़ गया, भेजने के भी खर्चे लगे वापिस आने के भी खर्चे लगे, तो 24 का पड़ गया और मैं तो 1 रुपये प्रॉफिट लूंगा, मुझे ज्यादा पैसा प्यारा नहीं है, बहुत मोहमाया नहीं है, मुझे तो बस 1 रुपया प्रॉफिट चाहिए, तो इसलिए आप 25 रुपये दे दो। क्या लगता है कस्टमर क्या करेगा, 25 रुपीज दे देगा? कस्टमर कहेगा भैया आपने गुड्स भेजे वहां पर नहीं बिके, उसने गुड्स आपको वापिस भेज दिए और यहां पर आ गई, तो कॉस्ट डेफिनेटली इंक्रीज होगी, लेकिन भाई मैं क्यों बियर करूं ये कॉस्ट। कस्टमर कहेगा मैं क्यों बियर करूं ये कॉस्ट भाई, मैं साथ वाली शॉप से परचेज कर लेता हूं, उसको भी ये पेन 20 रुपए की कॉस्ट पड़ती है और वो 1 रुपया प्रॉफिट लेता है, 21 का तो मैं वहां से ले लेता हूं, आपसे क्यों लूं। बिल्कुल जायज बात है उसकी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। या फिर वो यूं बोलेगा एक काम करो आप ना वो दूसरे वाला पेन दे दो मेरे को जो आपने कंसाइनी को नहीं भेजा, जो रिटर्न होके नहीं आया वो वाला पेन ले आओ। कंसाइनर कहेगा हाँ फिर ठीक है ये लो, वो पेन रखेगा, दूसरा पेन लेके आएगा और कहेगा ये वाला पेन रिटर्न होके नहीं आया, ये लो ये ले लो 21 रुपए का, है ना, और कस्टमर वो पेन लेके चला जाएगा। तो बात ये है क्या कंसाइनर सेम गुड्स को ज्यादा पर मार्केट में बेच पाएगा, जस्ट इस रीजन से क्योंकि ये कंसाइनी के पास भेजा था और वहां से रिटर्न होके आया है, तो रस्ते की कॉस्ट इसमें जो है वो ऐड हो गई है। क्या आप मार्केट में ऐसे परचेस कर लोगे? आप मार्केट में कुछ भी परचेस करने गए, एक कैलकुलेटर परचेस करने गए, सारी शॉप पे ये कैलकुलेटर 250 रुपये का मिल रहा है, 250 रुपये का मिलता है, आपने पहले भी परचेस किया हुआ 250 का, अब गए तो उसने बोला ये आपको 300 का, अब वो क्या हो गया भैया रेट बढ़ गए क्या? बोलेगा नहीं नहीं रेट नहीं बढ़े, ये एक्चुअली ना मेरे को महंगा पड़ रहा है, ये रिटर्न होके आया है, अब वो जाना रहने दो मेरे को नहीं लेने, दूसरे वाला कैलकुलेटर दे दो जो रिटर्न होके नहीं आया। बोलेगा नहीं वो तो नहीं है मेरे पास, ठीक है मैं साथ वाली शॉप से ले लेता हूँ। जब रेट बढ़े ही नहीं है, बाकी सब जगह 250 के मिलेंगे, तो आपसे क्यों ले 300 का। तो किसी भी हाल में कंसाइनर उसको ज्यादा में नहीं बेच पाएगा। बात यह है कि कंसाइनर जो भी रास्ते का खर्चा हुआ, जो भी रास्ते का एक्सपेंस हुआ, जाने का भी आने का भी, कंसाइनी को भेजने का भी और रिटर्न होने का भी, 2+2 = 4 रुपये, ये अपनी कॉस्ट में ऐड नहीं कर पाएगा। कॉस्ट में ऐड नहीं कर पाएगा मतलब कि वो कस्टमर से रिकवर नहीं कर सकता इसको, अपनी कॉस्ट में ऐड करके कि 24 रुपये हैं मैं कस्टमर से रिकवर करूंगा, ऐसा नहीं कर सकता। तो फिर क्या होगा, दो ही चीज़ें होती हैं बच्ची। अब नॉर्मल लॉस के केस में भी हमने सीखा था, या तो वो कॉस्ट कस्टमर के ऊपर डाल सकते हो, आपके लिए लॉस नहीं है, या फिर वो लॉस आप बियर करोगे। तो यहाँ पर ये लॉस जो 4 रुपये का है, ये 4 रुपये का लॉस कंसाइनर को बियर करना होगा, लॉस टू कंसाइनर, ये कंसाइनर के लिए
एक तरह से डेड लॉस हो गया, इसको रिकवर नहीं कर पाएगा, ये लॉस कंसाइनर के लिए हो गया, कंसाइनर को बियर करना होगा। बात आती है सर ये सब समझने की ज़रूरत क्यों है हमको, ये सब समझने की ज़रूरत इसलिए है जब हम इस पर बेस क्वेश्चन करेंगे, अभी हम करने जा रहे हैं, तो वहाँ पर जब ये क्वेश्चन आएगा तो गुड्स जो रिटर्न होते हैं उसकी कॉस्ट क्या ली जाएगी। कंसाइनमेंट अकाउंट किसकी बुक में बनता है, कंसाइनमेंट अकाउंट बनता है कंसाइनर की बुक में, यहां पर बनता है कंसाइनमेंट अकाउंट कंसाइनर की बुक में। तो जब कंसाइनर अपनी बुक्स में इसकी एंट्री करेगा तो वो रिटर्न गुड्स की, रिटर्न गुड्स को किस वैल्यू पर कंसाइनमेंट में रखे, बात ही आती है, क्या उसको कॉस्ट में ऐड करवा दे, कॉस्ट इंक्रीज करवा दे, या फिर वो उसको अपना डेड लॉस मान ले, वो उसको अपना डेड लॉस मानना होगा। तो अब हम इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं, प्रैक्टिकल बेस पर वैल्यू की बात करूं, तो जो भी गुड्स, ध्यान से मेरी बात सुनना, जो भी गुड्स कंसाइनी के पास गए थे और रिटर्न होकर वापस आए थे, वो गुड्स की कॉस्ट सेम हो जाएगी जो कंसाइनर के पास गुड्स रखे हुए हैं, जो उसकी कॉस्ट है वही कॉस्ट हो जाएगी, यानी कि जिस कॉस्ट पर भेजे थे, जिस कॉस्ट पर कंसाइनर ने कंसाइनी को भेजे थे वही सेम कॉस्ट मुझे लेनी होगी। इसकी कॉस्ट 24 की जगह 20 ही लेनी होगी, 24 की जगह 20 ही लेनी होगी, कोई रास्ता नहीं है। जब गुड्स वापस आएंगे तो मैं उसकी कॉस्ट को बढ़ा नहीं दूंगा, उसकी कॉस्ट मुझे वही लेनी होगी जो कंसाइनर के पास सिमिलर सेम गुड्स रखे हुए हैं उनकी जो कॉस्ट है, या फिर कहीं जिस कॉस्ट पर भेजे थे उसी कॉस्ट पर उसको वापस रिकॉर्ड करना होगा। रास्ते का जाने का और आने का एक्सपेंस ऐड नहीं कर सकोगे, वो डेड लॉस हो जाएगा। और वो डेड लॉस कैसे हो जाएगा, अगर बच्चे जब गुड्स भेजे, ये गुड्स मैंने कंसाइनमेंट अकाउंट में डाल दिए और जब गुड्स वापस आए रिटर्न के, ये एक्सपेंस भी मैंने कंसाइनमेंट अकाउंट में डाल दिए, तो जाने के और आने के एक्सपेंस तो कंसाइनमेंट में बुक कर लिए, डेबिट साइड पे आ गए, और क्रेडिट साइड पे जब मैं कॉस्ट इसकी रिकॉर्ड कर लूंगा तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट यहां पर लॉस बुक हो गया। जब मैं इसको कॉस्ट पे लिख लूंगा तो ऑटोमेटिकली 4 रुपए का खर्चा, जैसे कि एग्जांपल ले लो, छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं, ये कंसाइनमेंट अकाउंट बन गया। जब यहां से मैंने गुड्स सेंड किया था 20 रुपए का, क्लियर, और एक्सपेंस जब भेजा 2 रुपए का, ये भी बुक कर लिया, और रिटर्न का 2 रुपए का एक्सपेंस भी बुक कर लिया, ये जब फर्स्ट टाइम भेजा और ये जब गुड्स रिटर्न हुआ, सारा एक्सपेंस मैंने ऐड कर लिया। अब उसके बाद जब यही पेन वापस आ गया, जब ये पेन वापस आ गया तो मैंने यहाँ पर इस पेन की कॉस्ट रिकॉर्ड की कि गुड्स रिटर्न हो गए 20 रुपए पर, कॉस्ट पर रिकॉर्ड किया। अब देखो इससे क्या होगा, जब मैं इसका टोटल करूँगा 24, अब ये 4 रुपए का डिफरेंस क्रेडिट साइड पे आएगा, ये हो गया लॉस, तो मेरे प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस बुक हो गया, 4 रुपए का लॉस बुक हो गया, लॉस आ गया ना यहां पर 4 रुपए का, कंसाइनमेंट पे लॉस हो गया। तो जब ये लॉस हो गया तो इसका मतलब ये कॉस्ट में ऐड नहीं हुआ, कस्टमर से रिकवर नहीं कर रही। अगर मुझे इसे कस्टमर से रिकवर करना होता तो मैं इसको कॉस्ट पर नहीं, मैं इसको 4 रुपए का जो एक्सपेंस हुआ जाने का आने का वो इसमें ऐड कर देता, तो ये ऑटोमेटिकली रस्ते के एक्सपेंस ही बुक हो गए, तो फिर मैं ये कहता मुझे ये पैसे कस्टमर से रिकवर करने हैं। बट कस्टमर से रिकवर किसी भी हाल में नहीं हो सकती है, ये कोई कस्टमर की गलती नहीं है और ना ही ये नॉर्मल लॉस की तरह है कि इसको मैं, बाकी सारी शॉप वालों के साथ भी ऐसा है और वो भी ऐसा करते होंगे। भाई रिटर्न कोई हर बार थोड़ा ना होता है, तो ध्यान रखो ना उस चीज़ का, रिटर्न नहीं होना चाहिए, क्लियर। तो ये लॉस यहां पर बुक हो जाएगा कब, अगर मैं रिटर्न वाली जो वैल्यू है वो अगर मैं कॉस्ट पे ले लूं तो,
जब गुड्स रिटर्न होंगे, अगर मैं उसको कॉस्ट पे ले लूँ यानी कि 20 रुपये पे ही ले लूँ, एक्सपेंस तो यहाँ पे डल गए ना, एक्सपेंस यहाँ डल चुके हैं और कॉस्ट मैंने 20 रुपये हटाई, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली मैंने लॉस बुक कर लिया, राइट। तो अब इस वाले केस में, इस कॉन्सेप्ट में आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास जब भी गुड्स रिटर्न की बात आएगी तो गुड्स रिटर्न आपके क्रेडिट साइड पे आएंगे और उसको हमेशा आपको कॉस्ट पर रिकॉर्ड करना है। मैं आपको इसकी जर्नल एंट्री भी बता देता हूँ। जर्नल एंट्री कंसाइनमेंट के लिए वही बात ध्यान रखनी है, लिमिटेड लेजर्स यूज होनी है। जब बच्चे गुड्स सेंड करते हैं तब हम अपने पास एंट्री करते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आपको पूरा लिखना है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, जब गुड्स सेंट किए जाते हैं कंसाइनी को, जब यही गुड्स रिटर्न होंगे वापिस आएंगे, तो रिटर्न के लिए आपको एंट्री क्या करनी है बच्चे? रिटर्न के लिए इसको मैं रिवर्स कर दूंगा, इसकी रिवर्स एंट्री कर दूंगा, रिटर्न हो गया। लिमिटेड लेजर यूज करने हैं, सेपरेट कोई ओल्ड लेजर्स बनाने नहीं है, कम से कम लेजर से काम चलाना है। तो कम से कम लेजर से काम चलाना है तो इसी एंट्री को उल्टा कर दो। GSOC गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। और मजे की बात यह है कि सर सेम ऐसी जर्नल एंट्री तो हम पहले भी करते आए हैं, सेम यही जर्नल एंट्री गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, सेम ये जर्नल एंट्री तो पहले भी हुई है। किस केस में हुई है पहले? ये जर्नल एंट्री होती है बच्चे जब लोडिंग रिवर्स की जाती है। मैंने आपको कहा था जब गुड्स सेंड करेंगे इनवॉइस वैल्यू पर तो हमें लोडिंग रिवर्स करनी होती है, और हमने देखे हैं कंसाइनमेंट अकाउंट अपोजिट साइड पर हम वही नाम लिख देते हैं गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ऐसा करते हैं ना। तो सेम जर्नल एंट्री आपकी लोडिंग रिवर्स के टाइम पर भी होगी, बस नरेशन चेंज हो जाएगी। एक नरेशन में आप लिख रहे हो गुड्स रिटर्न और वो कॉस्ट से कर रहे हो, जहां पे आप लिख रहे हो गुड्स रिटर्न और ये आप कॉस्ट प्राइस से एंट्री कर रहे हो, और दूसरा आप नरेशन में लिखोगे लोडिंग रिवर्स हो रही है और ये लोडिंग अमाउंट से एंट्री होती है, पर एंट्री सेम होती है। अब बात आती है सर सेम एंट्री कर लेंगे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी बच्चे? कंसाइनमेंट में छूट है, कंसाइनमेंट तो खुद ही कहता है लिमिटेड लेजर यूज करो। अगर आप कुछ और रिसर्च कर पाओ इसके ऊपर कि और एंट्री भी बचा दो और कोई लेजर अकाउंट ओपन करना भी बचा दो, तो वो आपको एप्रिसिएशन मिलेगा कि आपने और भी छोटा कर दिया, अच्छी बात है। तो यहाँ तो रूल ही है कंसाइनमेंट में कि कम से कम लेजर बनाने हैं, लेकिन वो पर्पस सॉल्व होना चाहिए, प्रॉफिट या लॉस कंसाइनमेंट का निकल जाना चाहिए सही एक्यूरेट, और जो कंसाइनी से हमारा लेना देना है जो बैलेंस है वो सही निकल जाना चाहिए। कम से कम लेजर बना के वो पॉसिबल है तो वो कर देना है। तो अगर मैं ये सेम एंट्री भी कर देता हूँ गुड्स रिटर्न की लोडिंग रिवर्स की, तो मेरा प्रॉफिट या लॉस सही निकलेगा, उसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं होती है, कंसाइनी के साथ बैलेंस भी बिल्कुल सही आएगा, तो ये एंट्री कर सकती है। क्लियर? तो जर्नल एंट्री करनी होगी तो जो गुड्स सेंट की एंट्री होती है उसकी रिवर्स एंट्री आपको कर देनी है, और ये कॉस्ट पर होगी हमेशा, तो इसकी लोडिंग रिवर्स की बात ही नहीं आएगी। क्लियर है? ये आपको कॉस्ट पे ही करनी है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, अब हम स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 21, गुड्स रिटर्न पर ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 इसको स्टार्ट करते हैं। ए सेंट गुड्स टू बी ऑफ पटना, ए ने गुड्स सेंट किए बी को, ए हमारा बच्चे यहां पर हो गया कंसाइनर, और बी हमारा हो गया कंसाइनी।
ए सेंट गुड्स टू बी ऑफ पटना टू बी सोल्ड ऑन बिहाफ ऑफ ए, ए के बिहाफ पे सेल करने के लिए, मतलब कंसाइनमेंट। इसका मतलब ये क्वेश्चन कंसाइनमेंट का है, जब ए ने बी को गुड्स सेंट किए, या लिखा होगा ऑन कंसाइनमेंट बेसिस, या फिर वो कैसे बताए ये कंसाइनमेंट वाला है, टू बी सोल्ड ऑन बिहाफ ऑफ ए, ए के बिहाफ पे सेल करनी है, ओनर कौन रहेगा, ए रहेगा, तो मतलब कंसाइनमेंट का क्वेश्चन है। आगे बात की बी गेटिंग अ कमीशन, बी को कमीशन मिलेगी इंक्लूडिंग डेल क्रेडर कमीशन। अभी तक हमने क्वेश्चन देखे थे डेल क्रेडर कमीशन अलग दी होती थी, लेकिन इस क्वेश्चन में कह दिया इंक्लूडिंग डेल क्रेडर कमीशन 10% ऑन सेल्स। जब नॉर्मल कमीशन और डेल क्रेडर कमीशन दोनों ही टोटल सेल पर देनी है, दोनों ही सेम अमाउंट पर देनी है, तो दोनों को मर्ज करके भी दिया जा सकता है, मर्ज करके भी कैलकुलेट कर सकते हो। वो वही बात यहां पर वो कहना चाहता है कि टोटल जो है डेल क्रेडर कमीशन मिला के 10% है। अब वो आप 8, 2, 7, 3, 6, 4 कुछ भी समझ लो, जैसा भी होगा वो उनकी इंटरनल अंडरस्टैंडिंग है, बट क्वेश्चन में टोटल बोल दिया 10%, तो हम टोटल 10% निकाल देंगे। लेकिन यहां से ये क्लियर हो गया कि इसमें डेल क्रेडर कमीशन है, तो इसका मतलब अगर आगे कुछ बैड डेट्स की बात आती है तो आपको ध्यान रखना है डेल क्रेडर कमीशन कंसाइनी को दी जा रही है। अगर कोई बैड डेट्स होता है तो उसका लॉस कंसाइनी को बियर करना होगा, राइट? तो कमीशन की बात कर दी। ऑल एक्सपेंसेस वर टू बी बोर्न बाय ए, अगर ये नहीं भी बोलता तो भी हम यही मान के चलते हैं कि सारे एक्सपेंस ए बोर्न करता है, बता दिया तो अच्छी बात है, ए कंसाइनर है, सारे एक्सपेंस ए बियर करता है। द इनवॉइस वैल्यू ऑफ गुड्स वॉज रुपीज 150,000, जो गुड्स भेजे गए हैं वो इनवॉइस वैल्यू पर भेजे गए हैं, जो है 1,50,000 रुपीज, और ये 150 कैसे बना, ये 150 बना मेड अप एट कॉस्ट प्लस 20%। तो बच्चे आपको इनवॉइस वैल्यू दे दी, आपको लोडिंग का हिंट बता दिया कॉस्ट प्लस 20%, तो आप इससे कॉस्ट कैलकुलेट कर ही लोगे, राइट? कॉस्ट लोडिंग इज इक्वल टू इनवॉइस वैल्यू, कॉस्ट प्लस लोडिंग इज इक्वल टू इनवॉइस वैल्यू, दोनों में से तीनों में से कोई भी दो वैल्यू दे दी या एक वैल्यू दे के लोडिंग का हिंट दे दिया तो आप तीसरी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब भी ऐसा लिखा होता है कॉस्ट प्लस 20%, तो ये 20% कॉस्ट पर ही है, क्लियर? आगे चलते हैं। ए स्पेंट रुपीज 2,500 ऑन फॉरवर्डिंग एंड पैकिंग, ए यानी कंसाइनर के खर्चे बता दिए, बी है बी के कुछ खर्चे बता दिए, फ्रेट एंड कार्टेज टू गोडाउन, फ्रेट हुआ या कार्टेज लगा गोडाउन तक का, स्टोरेज है, इंश्योरेंस है, मिसलेनियस है, ये सारे खर्चे हैं। मिसलेनियस आपको नहीं लेने हैं, मैंने आपको बताया था, इंश्योरेंस नहीं लेना है, वैल्यूएशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक के लिए, स्टोरेज नहीं लेना है, एक ही खर्चा है जो रिकरिंग नेचर का है, बाकी सारे खर्चे नॉन रिकरिंग नेचर के माने जाएंगे, बाकी सारे खर्चे आपको नहीं लेने हैं। आगे चलते हैं। एट द एंड ऑफ 3 मंथ्स, 3 महीने के बाद, तो 3 मंथ्स का हमारा कंसाइनमेंट पीरियड है, बी रिपोर्टेड दैट ही हैड सोल्ड 3/5 ऑफ द गुड्स, 3/5 गुड्स सेल हो गए हैं। मोस्टली हमने देखा है जब भी क्वेश्चन में यूनिट्स गिवन नहीं होती हैं, क्वांटिटी गिवन नहीं होती है, तो वो इस तरह से पोर्शन बताता है कि 3/4 सेल हो गया, या 2/3 सेल हो गया, या 1/3 सेल हो गया, 70% सेल हो गया, 90% सेल हो गया, कुछ भी पोर्शन बता देगा, शेयर बता देगा कितना सेल हो गया, 3/4 या 75% बातें की है। ये सेल हो गया 1,00,000 रुपये का, सेल प्राइस 1,00,000 रुपीज आ गया। ही रिटर्न, अब देखो ये रिटर्न की बात आ गई, ही रिटर्न 1/5 ऑफ द गुड्स, 1/5 ऑफ द रिमेनिंग गुड्स नहीं बोला कि रिमेनिंग का 1/5 निकालो, ही रिटर्न 1/5 ऑफ द गुड्स टू ए, 1/5 यानी कि 20% गुड्स रिटर्न कर दिए, टोटल का 20%, 75% सेल हो गया, 20% गुड्स रिटर्न हो गए, तो बचे कितने होंगे 5%। अगर ये बोलता 1/5 ऑफ द रिमेनिंग गुड्स, यानी कि 25% बचा उसका 1/5, तो आप वैसा ले सकते थे, बट यहां बोला 1/5 ऑफ द गुड्स टू ए एज अनसेलेबल, ये अनसेलेबल थे, अनसेलेबल का मतलब हो गया कि वहां पर सेल नहीं हो पा रही थी,
बट ही वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ सेलिंग द रिमेन्ड गुड्स. लेकिन जो कंसाइनी है वो कॉन्फिडेंट है कि जो बाकी गुड्स हैं वो सेल हो जाएंगे. तो इसका मतलब जो गुड्स हैं वो कोई पूरे तरीके से डिफेक्टिव नहीं है, बस ऐसा है कि कुछ अलग मॉडल होगा, कुछ अलग टाइप होगा, वो वाले गुड्स वहाँ पे नहीं बिक पा रहे, बाकी गुड्स बिक जाएंगे. दो चीज़ें हो सकती हैं, एक तो गुड्स बिल्कुल ही डिफेक्टिव हो सकती हैं, डेट एक्सपायर्ड हो सकती है, वो डेड लॉस हो सकता है, उसको तो बच्चे ज़ीरो पर ही रिकॉर्ड करना है. लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि गुड्स बिकने की कंडीशन में तो हैं लेकिन कंसाइनी के पास नहीं बिक पा रहे, कंसाइनर के पास बिक जाएंगे तो कंसाइनर मंगवा लेगा और बेच देगा. बट अगर मान लो कि गुड्स बिल्कुल ही डिफेक्टिव हैं, डैमेज्ड हैं, कोई ग्लास की चीज़ है, कांच की चीज़ है, क्रॉकरी है और वो टूट गई बिल्कुल, अब कंसाइनर उसको मंगवा के क्या करेगा? कंसाइनर कहेगा नहीं मेरे पास भेज दो, और रस्ते का भी फ्रेट का खर्चा, लोडिंग अनलोडिंग सारा खर्चा कर लेगा, कंसाइनर के पास आकर भी बिकना नहीं है वो. तो ध्यान रखना, जो गुड्स रिटर्न की बात की जाएगी, जो बिल्कुल डैमेज्ड गुड्स हैं, अगर क्वेश्चन में कहता है गुड्स डैमेज्ड हो गई हैं, गुड्स कंसाइनर के पास भी नहीं बिक सकते हैं, ऐसे गुड्स को तो वापस मंगवाना बेकार है, ऐसे गुड्स को मंगवा ही नहीं जाएंगे, वो तो बिल्कुल ही डेड लॉस, ज़ीरो हो जाएंगे वो गुड्स, उसको तो ज़ीरो, वो डेड लॉस हो गया, उसको तो लेना ही नहीं है, लिखना ही नहीं है, वो तो डेड लॉस हो गया. लेकिन ऐसे गुड्स जो बिक सकते हैं बट कंसाइनी के पास नहीं बिक रहे, कंसाइनर के पास बिक सकते हैं या किसी और एजेंट के पास बिक सकते हैं, कंसाइनर कहेगा ठीक है मेरे पास भेज दो, आगरा में कंसाइनी है वहाँ नहीं बिक रहे, भेज दो, ये गुड्स मुंबई में बिक जाते हैं, तो वहाँ से मंगवा के मुंबई भेज देगा, राइट? तो ऐसा कर सकता है अगर बिक सकते हैं. तो जो गुड्स रिटर्न हो रहे हैं वो डिफेक्टिव या फिर बिल्कुल डैमेज हो सकते हैं, उसको तो वो डेड लॉस है, उसकी कॉस्ट तो ज़ीरो ही लेनी है. लेकिन अगर गुड्स सही कंडीशन में हैं, वो कंसाइनी के पास नहीं बिक रहे, कंसाइनर के या कहीं और बिक सकते हैं, तो जो भी उसकी कॉस्ट है उस पर हमें रिकॉर्ड करना है. आगे कहा बी पेड रुपीज़ 1750 एज फ्रेट ऑन द रिटर्न गुड्स. देखो रिटर्न गुड्स का भी एक्सपेंस आ गया, रिटर्न गुड्स पर फ्रेट पे किया 1750 का, ये भी कंसाइनमेंट में रिकॉर्ड होगा. वन कस्टमर हु हैड बोर्ड ऑन क्रेडिट, एक कस्टमर है क्रेडिट पे लिया, टू पे फेल टू पे रुपीज़ 4000, यानी क्या हो गया? बैड डेट. तो बैड डेट्स बच्चे हमारे पास 4000 रुपीज़ का हो गया, बैड डेट्स हो गया 4000 रुपये का. हमें ये चेक करना होता है क्या डेल क्रेडिट कमीशन है. यस, इस क्वेश्चन में डेल क्रेडिट कमीशन है, और अगर डेल क्रेडिट कमीशन है तो ये 4000 रुपये का लॉस कंसाइनी को बियर करना है, कंसाइनर बियर नहीं करेगा, ये कंसाइनी बियर करेगा. तो ये कंसाइनमेंट में नहीं आएगा क्योंकि क्वेश्चन में डेल क्रेडिट कमीशन दी जा रही है, यहाँ पे लिखा था इंक्लूडिंग डेल क्रेडिट कमीशन, जो कमीशन दी जा रही है उसमें डेल क्रेडिट कमीशन भी है. तो अगर डेल क्रेडिट कमीशन है तो अब जो 4000 रुपये का ये लॉस हो रहा है बैड डेट्स का, डेल क्रेडिट कमीशन बैड डेट्स के लॉस को ही ट्रांसफर करने के लिए दी जाती है, तो ये 4000 रुपये का लॉस अब कंसाइनर बियर नहीं करेगा, कंसाइनमेंट में नहीं आएगा. क्लियर? असर्टेन बाय प्रिपेयरिंग रेलिवेंट अकाउंट्स द प्रॉफिट एंड लॉस सफर्ड बाय द टू पार्टीज. इसमें देखो कुछ और नई चीज पूछी है, अकाउंट्स तो बनाने को बोला, जो भी रेलिवेंट अकाउंट्स बनने हैं वो बना दो, और दूसरा कहा ये भी बताओ प्रॉफिट एंड लॉस सफर्ड बाय टू पार्टीज, दोनों पार्टीज का बताओ कि प्रॉफिट एंड लॉस कितना कितना सफर करेंगी. कंसाइनमेंट अकाउंट तो बनता ही है, कंसाइनमेंट अकाउंट में कंसाइनर का प्रॉफिट एंड लॉस तो बन ही जाता है जो बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे बोला था टू पार्टीज, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में, एक्सेप्शनल क्वेश्चन में, कंसाइनी का प्रॉफिट और लॉस भी मांग लिया, कंसाइनी का प्रॉफिट एंड लॉस भी मांग लिया, और वो हम निकाल लेंगे. जो भी कंसाइनी को कमीशन मिलती है वो उसकी इनकम. अगर कंसाइनी अपने ऊपर कुछ खर्चा बियर करता है, मतलब कंसाइनी ने कुछ खर्चा बियर करने के लिए एग्रीमेंट किया था, तो वो खर्चा माइनस होगा. इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ उसने एग्री नहीं किया, कंसाइनी का कोई खर्चा नहीं है, बट यस उसको डेल क्रेडिट कमीशन मिली, लेकिन उसके बदले ये बैड डेट्स का लॉस बियर करेगा, तो 4000 रुपये हमें माइनस करने होंगे उसकी कमीशन से,
और उसका प्रॉफिट या लॉस भी सामने आ जाएगा। उसको चाहे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर दिखा दो और चाहे तो अदरवाइज दिखा दो, आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिखाना है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के दिखा देंगे, कोई इशू नहीं है। चलो अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, पार्टी है ए एंड बी। कंसाइनमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ए, ए की बुक्स में कंसाइनमेंट अकाउंट यहां पर बन रहा है। क्वेश्चन हमने अच्छे से समझ लिया, जो कॉन्सेप्ट है रिटर्न का वो भी हमने अच्छे से समझ लिया क्या करना होता है। अब हम बहुत इजीली क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन में मैं लिखूंगा तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं ये वैल्यूज क्यों ऐसे डाल रहा हूं। तो सबसे पहले गुड्स सेंड किए जाते हैं, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। और ये बच्चे हमें लेने हैं इनवॉइस वैल्यू पर। इस क्वेश्चन में इनवॉइस वैल्यू पर था, कॉस्ट प्लस 20%। तो छोटा सा हम यहाँ पर इक्वेशन भी बना देते हैं। सबसे पहला काम तो हमारा यही है, कॉस्ट प्लस लोडिंग इज इक्वल टू इनवॉइस वैल्यू। क्वेश्चन में बच्चे इनवॉइस वैल्यू गिवन है, द इनवॉइस वैल्यू ऑफ गुड्स 150,000। कॉस्ट गिवन नहीं है, लोडिंग के बारे में बोल दिया, 20% ऑन कॉस्ट। तो यहां पर बात करें तो बच्चे लोडिंग 20% है, लेकिन ये 20% ऑन कॉस्ट है। जब बोला गया ना कॉस्ट प्लस 20%, तो कॉस्ट प्लस कॉस्ट का 20%, ये कहने का मतलब होता है। तो कॉस्ट का 20%, लेकिन कॉस्ट तो मेरे पास है ही नहीं, तो कॉस्ट से कैलकुलेट लोडिंग नहीं हो पाएगी। तो मैंने आपको बताया था ऐसे केस में मेरे पास एक दूसरा रिलेशनशिप भी बनता है, और वो रिलेशनशिप क्या बनता है, यहाँ पर हम बात करते हैं। अगर ये 20% लोडिंग है तो 20% को मैं 1/5 भी बोल सकता हूँ, राइट, 1/5 ऑफ द कॉस्ट या 20% ऑफ द कॉस्ट, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब जब ये 1/5 है कॉस्ट का और मैं इसका रिलेशनशिप बनाना चाहूँगा इनवॉइस वैल्यू के साथ, तो मैंने आपको बताया था जब ये इनवॉइस वैल्यू, यानी कि इनवॉइस वैल्यू हमेशा हमारी बड़ी होती है और कॉस्ट हमारी कम होती है, तो जब कम की तरफ आओगे तो आपको 5 में से माइनस कर देना है 1, और जब आप बढ़ने की तरफ जाओगे, इनवॉइस वैल्यू की तरफ जाओगे, तो आपको क्या करना है, ऊपर जो आपका न्यूमरेटर है वो 1 रखना है, और जो आपका नीचे 5 दिया हुआ है, 5 में से ऊपर की वैल्यू 1 को माइनस कर देना है। हमेशा 1 माइनस मत करना, बहुत सारे केसेस में ऊपर 1 आ रहे हैं, न्यूमरेटर 1 आ रहा है, तो ऐसा मत करना कि सारे क्वेश्चन में बस 1 ही माइनस कर दूं, पता चले क्वेश्चन में ये 2/3 था, क्वेश्चन में ये 2/5 था, तो आपको 5 माइनस करना है जो ऊपर है न्यूमरेटर है, तो 5 माइनस 1, यहां पे 1/4 हो जाएगा। तो इसका मतलब है जो लोडिंग कॉस्ट का 1/5 निकल रही है, वही लोडिंग इनवॉइस का 1/4 आ सकती है, वैल्यू सेम आएगी। तो इनवॉइस वैल्यू हमें गिवन है 1,50,000, इसका 1/4 अगर हम कैलकुलेट कर लें तो अमाउंट आता है 37,500, 37,500 रुपये। अगर ये आपके पास निकल आया तो अब आप कॉस्ट तो बहुत इजीली निकाल सकते हो, 150 माइनस 37,500, 1,12,500, 1,12,500 रुपीज़ बच्चे आपके पास कॉस्ट आ गई है। अब आप चाहो तो इसको वेरीफाई कर सकते हो, 20% 1,12,500 का 20% कैलकुलेट कर लो, 1,12,500 का 20% आपके पास आएगा, कुछ गलत कर दिया हमने, 20% 22,500 आएगा, कुछ गलत कर दिया मैंने, एक सेकंड, 1/5 हमने ले लिया और 1,50,000 रुपये का 1/5, ओहो एक ऐड करना होता है, जब हम बढ़ रहे होते हैं मैंने आपको कहा था एक 1 ऐड करना है, जब हम कॉस्ट की तरफ आएंगे कॉस्ट कम होती है तो आपको एक माइनस करना है, उल्टा कर दिया मैंने,
तो मैंने आपको यहाँ पर बताया था, देखो वेरीफाई भी हो गया, अगर मान लो गलती होगी अच्छी बात है, इससे हमें ये पता चल गया अगर गलती कर दिया आपने, आपने गलती से ये 1/4 ले लिया कुछ और ले लिया, तो वेरीफाई करोगे तो क्लियर हो जाएगा कि आंसर गलत हो गया, तो ये तो बाई चांस अच्छा ही हो गया हमारे साथ, पता चल गया कि गलती होगी तो पता चल जाएगा। जब आपको कॉस्ट पर ये 1/5 है लेकिन इनवाइस वैल्यू बढ़ने की तरफ जा रहे हैं, तो 5 में एक ऐड करना है, 1/6 कर देना है, और अगर ये इनवाइस वैल्यू पर 1/5 होता और मुझे कॉस्ट पर देखना होता तो मैं 1/4 कर देता। तो 150,000 डिवाइड बाय 6 ये आएगा बच्चे 25,000 रुपीज। अच्छा रहा एक, वैसे हमें एग्जाम्पल लेना भी चाहिए था, अगर हम गलत ले लेंगे तो देखते हैं कैसे वो वेरीफाई करते हुए पकड़ लेगा, तो ये हो गया तो और भी अच्छी बात है। तो अब यहाँ पर कॉस्ट आ जाएगी बच्चे 125,000 रुपये। अब आप वेरीफाई कर लो, 1,25,000 का 1/5 या 20% कैलकुलेट कर लो, 25,000 ही आएगा, करेक्ट। तो गुड्स सेंड किए, इनवाइस वैल्यू है 150,000 रुपये, ये मैंने लिख ली। उसके बाद बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, और ये बच्चे हम क्या कर रहे हैं, लोडिंग रिवर्स कर रहे हैं। कितना अमाउंट, 25,000 रुपीज का। और मजे की बात है गुड्स रिटर्न करेंगे तो भी बिल्कुल मैं यही लिखूंगा, बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, लेकिन लोडिंग रिवर्स नहीं, रिटर्न, क्लियर। और वो दो ही चीजों पर होंगे, अगर वो बिकने की सिचुएशन में हैं, वापिस भेजे जा रहे हैं कंसाइनर को, बिक सकते हैं तब तो वो कॉस्ट पर, और अगर बिल्कुल ही डैमेज्ड हैं तो फिर वो जीरो पर, मतलब उसको क्या रिकॉर्ड करोगे, वो जीरो पर है, वो डेड लॉस हो गया, जो भी यहाँ रिकॉर्ड नहीं हो रहा वो डेड लॉस होगा, ऑटोमेटिकली लॉस बुक हो जाएगा, क्योंकि गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट में ऑलरेडी उसकी कॉस्ट रखी हुई है, क्लियर। चलो आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है। कमीशन की बात की थी, कमीशन तो बाद में आएगी, सबसे पहले हम एक्सपेंसेस देख लेते हैं। ए ने 2500 रुपये फॉरवर्डिंग एंड पैकिंग, तो ए के एक्सपेंसेस बुक कर लेते हैं, टू कैश ऑब्लिक बैंक, ये बच्चे कंसाइनर के एक्सपेंस हो गए, फॉरवर्डिंग एंड पैकिंग। ये हमारे हैं 2500 रुपीज की। उसके बाद एक्सपेंसेस आगे कंसाइनी के, कंसाइनी है यहां पर बीज अकाउंट, ये कंसाइनी के एक्सपेंस है। और कंसाइनी के एक्सपेंस की बात करें तो चार तरह के एक्सपेंस है, फ्रेट एंड कार्टेज गोडाउन, फ्रेट एंड कार्टेज। उसके बाद बात करें स्टोरेज, इंश्योरेंस, मिसलेनियस, स्टोरेज, इंश्योरेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस 8,1500, ₹1,500। तो ये सारे एक्सपेंसेस हमारे पास मिलाकर हो गए हैं 11,000 रुपये। ₹11,000 के कंसाइनी के एक्सपेंस हो गए हैं। आगे चलते हैं, आगे बात की जाए, एट द एंड ऑफ 3 months बी रिपोर्टेड दैट ही हैड सोल्ड 3/5 ऑफ द गुड्स, 1,00,000 रुपए के गुड्स सेल हो गए 1,00,000 रुपीज के। तो जो सेल होंगे वो भी कंसाइनी यानी कि बीज अकाउंट सेल्स, कैश क्रेडिट अलग अलग बोलता है तो ठीक है, नहीं भी बोलेगा तो ऐसा कोई ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती हमें उसकी। जब क्रेडिट सेल पर कमीशन मिलनी हो तो चाहिए होती है, तो वहाँ पर वो कुछ ना कुछ हिंट देगा ही देगा कि क्रेडिट सेल कितनी है ताकि आप कमीशन कैलकुलेट कर पाओ। अगर वो कमीशन देता है हमारी क्रेडिट सेल पर, ओवर डेल क्रेडिट कमीशन की बात मैं कर रहा हूँ, अगर डेल क्रेडिट कमीशन क्रेडिट सेल पे बोलता है, कुछ कुछ क्वेश्चंस में क्रेडिट सेल पर भी हो सकती है,
तो बोलेगा तो वहाँ हमें क्रेडिट सेल चाहिए होगी, अदरवाइज ऐसी कोई हमें ज़रूरत नहीं है, हम दोनों को इकट्ठा भी ले सकते हैं। थ्री फोर्थ ऑफ द गुड्स सेल हो, तो इस क्वेश्चन में हमें रिटर्न फ्रेट भी दिया हुआ है, तो पहले हम एक काम करते हैं रिटर्न फ्रेट ले लेते हैं। और रिटर्न फ्रेट भी किसने पे किया है, बी ने पे किया है, तो मैं यहीं पे लिख लेता हूँ। इसको अलग भी लिख सकते हैं बट इसको यहीं पर भी लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख लेंगे रिटर्न फ्रेट, रिटर्न फ्रेट है 1750 रुपये का, और जब हम इसको टोटल कर देंगे तो टोटल हमारे पास ये आ जाएगा 12750 रुपये। तो अब हम आगे चलते हैं। तो सेल है हमारे पास थ्री फिफ्थ ऑफ गुड्स फॉर रुपीज 1 लाख। तो यहां पर हमारे पास जो सेल है वो हो जाएगी 3/5 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 लाख रुपीज। क्लियर, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है ही रिटर्न्ड 1/5 ऑफ द गुड्स टू ए, ए को 1/5 गुड्स रिटर्न कर दिए। मैंने आपसे बात की थी जब भी गुड्स रिटर्न हो जाते हैं तो उसके लिए आपको यहीं पे लिखना होता है बाय गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। लोडिंग के लिए बच्चे जो जर्नल एंट्री होती है, सेम जर्नल एंट्री हमारी गुड्स रिटर्न को लेकर भी होती है। कितने गुड्स रिटर्न किए हैं, 1/5, 1/5 गुड्स रिटर्न हो गए हैं। इसकी वैल्यू अभी मैं आपको बताऊंगा, डिस्कस करते हैं इसकी वैल्यू को लेकर, आगे चलते हैं। वैसे मैंने आपको बता दिया था कि ये ऑलवेज कोस्ट पर आते हैं, हमने इस पे एग्जांपल भी देखा था कि किस तरीके से ये कोस्ट पे आते हैं। यहां पे अगर आप देखोगे तो मैंने ये आपको एग्जांपल दिया था, भेजने के 2 रुपए लगे, वापिस आने के 2 रुपए लगे, 4 रुपए का एक्सपेंसिस तो कंसाइनमेंट में लिखेंगे, लेकिन जब गुड्स वापिस आ जाएंगी तो 24 रुपए की नहीं 20 रुपए की ही हमें अपने पास रिकॉर्ड करने हैं, 4 रुपए का डेड लॉस है। अब वो रिकॉर्ड करने का तरीका क्या होगा उसकी बात अभी हम कर लेंगे, आगे चलते हैं। बी पेड रुपीज 1750 एज फ्रेट ऑन द रिटर्न गुड्स, 1750 रुपए रिटर्न गुड्स हैं, ये हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया 1750 रुपए रिटर्न गुड्स के। ध्यान रखना है आपको कि ये जब हम वैल्यूएशन करेंगे क्लोजिंग स्टॉक का तो रिटर्न वाले जो एक्सपेंसेस हैं उसको कंसीडर नहीं करना, क्लियर। जो रिटर्न वाले एक्सपेंसेस हैं उनको वैल्यूएशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक के टाइम पर उसको आपको कंसीडर नहीं करना है। 1 customer who had bought on credit failed to pay rupees charger due from him. 4000 रुपए का बच्चे बैड डेट्स हो गया, इसमें हमें ये देखना होता है क्या यहाँ पे डेल क्रेडिटर कमीशन है, तो यस इस क्वेश्चन में डेल क्रेडिटर कमीशन थी, इंक्लूडिंग डेल क्रेडिटर कमीशन। तो ये लॉस किसका, कंसाइनी का, कंसाइनी का लॉस है तो कंसाइनमेंट में नहीं आएगा। चलो अब हमारे पास हो जाएगा कंसाइनमेंट स्टॉक, हम कैलकुलेट कर लेंगे। बाय कंसाइनमेंट स्टॉक और बच्चे स्टॉक कितना बचा होगा, 1/5 रिटर्न हो गया, 3/5 सेल हो गया था, तो कितना बचा होगा, 1/5 बचा होगा।
1/5 ऑफ द स्टॉक हमारे पास रिमेनिंग बचा होगा टोटल। अगर 1 है तो 1 माइनस 3/5, 1 माइनस 1/5, तो हमारे पास आ जाएगा रिमेनिंग 1/5 रह गया। इसकी मुझे वैल्यू निकालनी है। जहां तक बात है कमीशन की, हम बी को कमीशन देंगे और कमीशन के लिए टोटल 10% बोला था, इंक्लूडिंग डेल क्रेडिटर कमीशन। सेल 1 लाख रुपए की है तो 1 लाख का 10%। ₹10,000 की बच्चे कमीशन होगी। क्लियर। आगे चलते हैं। अब हम अपने पास कंसाइनमेंट स्टॉक की वैल्यू वैल्यूएशन कर लेते हैं। वैल्यूएशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक, अगर अबनॉर्मल लॉस होता, इस क्वेश्चन में अबनॉर्मल लॉस है नहीं, अगर अबनॉर्मल लॉस होता तो उसके लिए भी यही वर्किंग नोट काम आता। अगर नॉर्मल लॉस होता तब भी हमारे पास सेम वर्किंग नोट ही हमारे पास काम आता। और अगर बात करें बच्चे गुड्स रिटर्न के लिए तो उसके लिए भी यही वर्किंग नोट काम आएगा। तो हमारे पास यही वर्किंग नोट काम आ जाएगा। बहुत सारी चीजों का वैल्यूएशन करने के लिए पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी, अमाउंट ऑलवेज आपको लेना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट। ऊपर हमने कैलकुलेट किया 1,25,000 रुपीज। हमारे पास इस क्वेश्चन में यूनिट्स नहीं दी हैं, कोई इशू नहीं है। 1,25,000 रुपीज बच्चे इसकी कॉस्ट आ गई है। ऐड कर देंगे कंसाइनर के एक्सपेंस, ऑल एक्सपेंसेस बाय कंसाइनर। कंसाइनर के टोटल एक्सपेंस हैं ₹2,500 के। कोई भी ट्रांजिट में ऐसा कोई लॉस नहीं है। ऐड कर देंगे कंसाइनी के एक्सपेंस बट नॉन रिकरिंग। यहां पर बच्चे आपको ध्यान रखना है जो रिटर्न के टाइम पे एक्सपेंसेस किए हैं उनको कंसीडर नहीं करना। रिटर्न एक्सपेंसेस नहीं लेने हैं आपको। जब गुड्स भेजे थे उस टाइम पे जो एक्सपेंसेस हुए उनमें से जो नॉन रिकरिंग है, तो मैं बात करूं मेरे पास फ्रेट एंड कार्टेज, ये नॉन रिकरिंग एक्सपेंस है। स्टोरेज मेरा रिकरिंग है, इंश्योरेंस मेरा रिकरिंग है, मिसलेनियस नहीं लेंगे, मिसलेनियस भी हमारा रिकरिंग है। तो सिर्फ फ्रेट एंड कार्टेज ₹8,000। टोटल ऐड कर लेते हैं 1,25,000 रुपीज प्लस 2,500 प्लस 8,000, 135,500। अब मैं अपने पास क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कर सकता हूं। वैल्यू ऑफ कितना था क्लोजिंग स्टॉक बच्चे, 1/5, 1/5 था वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, 1/5 ऑफ टोटल बच्चे जितना भी हमारे पास स्टॉक था उसमें से 3/5 सेल हो गया, 1/5 रिटर्न कर दिया, बचा कितना होगा 1/5 बचा होगा। तो 1/5 जो हमारे पास बचा है अगर उसकी वैल्यू की बात करें 135,500 इसका 1/5, और ये हमारे पास बच्चे आ जाएगा 27,100, 27,100 रुपये। क्लियर। क्योंकि ये क्वेश्चन लोडिंग वाला है तो हमें यहां पर एक बार लोडिंग को ऐड करना होगा और फिर रिवर्स करना होगा। लोडिंग कितनी थी, टोटल लोडिंग की बात करूं 25,000 रुपीज थी,
ये देखो यहाँ पर हमारे पास टोटल लोडिंग 25,000 थी, लेकिन इसमें से 1/5 गुड्स बचे हुए हैं, तो उस पर लोडिंग भी कितनी होगी? 1/5 होगी, जो कि वैल्यू आएगी 5,000 रुपीज़। और मैं इंक्लूडिंग लोडिंग की अगर बात करूं तो हमारा कंसाइनमेंट स्टॉक हो जाएगा 32,100 रुपीज़ का, 32,100। तो यहां पर 32,100 मेरा कंसाइनमेंट स्टॉक, क्लियर। और उसके बाद ये जो 5,000 रुपये हैं, ये लोडिंग के हमने प्रेजेंटेशन पर्पस से ऐड किए हैं, अदरवाइज ये तो हमें क्या करने हैं, रिवर्स करने हैं। तो टू स्टॉक रिजर्व, ये हमने लोडिंग रिवर्स कर दी है जो हमारी स्टॉक पर थी 5,000 रुपीज की। तो अल्टीमेटली बच्चे कंसाइनमेंट स्टॉक कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना होता है, और कॉस्ट पर ही रिकॉर्ड हुआ है। लोडिंग ऐड करके रिवर्स कर दो, बात एक ही है, या लोडिंग ऐड ही मत करो, बात एक ही है। बात सिर्फ प्रेजेंटेशन की होती है कि प्रेजेंटेशन कैसे देनी है। इनवॉइस वैल्यू वाला क्वेश्चन होता है तो हम लोडिंग ऐड करके भेजते हैं, तो इसीलिए जब स्टॉक आप ले रहे हो तो फिर लोडिंग ऐड करके ही दिखाओ और बाद में उसको रिवर्स कर दो। तो ये हमने ले लिया। बात आती है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट की, जो मेन इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारा जो मेन टॉपिक था वो यही था, जिसकी हमने डिटेल में अच्छे से डिस्कशन भी की है। बात आती है 1/5 ऑफ द गुड्स जो हमारे रिटर्न हो गए हैं। यहाँ पे एक चीज और समझनी है बच्चे, इसको हमेशा कॉस्ट पे रखना है। अब इसको दिखाने के दो प्रेजेंटेशन हो सकती है। अगर मैं गुड्स रिटर्न की बात बोलूं, ऑलवेज कॉस्ट पर आएगा, ये हमने काफी डिटेल में इसकी डिस्कशन कर ली है और रीजन मैंने बता दिया आपको क्यों ये कॉस्ट पे आएगा। बट बात अगर होती है प्रेजेंटेशन की, तो प्रेजेंटेशन के लिए या तो आप इसको डायरेक्टली कॉस्ट पर दिखा दो, कोई इशू नहीं है, या फिर आप इसको इनवॉइस वैल्यू पर दिखाकर अगेन लोडिंग रिवर्स कर दो। बात एक ही है, लोडिंग रिवर्स करने पर भी ये कॉस्ट पर ही रिकॉर्ड होगा, प्रेजेंटेशन का तरीका है। ऐसा क्यों करते हैं? सिंपली अगर हमारा इनवॉइस वैल्यू वाला क्वेश्चन होता है, क्योंकि हमने गुड्स जब भेजे थे कंसाइनी को तो हमने लोडिंग ऐड करके भेजे थे, और जब रिटर्न आ रहे हैं तो वही गुड्स रिटर्न आ रहे हैं, तो एक बार लोडिंग ऐड करके और बाद में लोडिंग को रिवर्स किया जा सकता है, क्लियर। या फिर डायरेक्टली कॉस्ट पर भी ले लोगे तो भी ठीक है, अमाउंट तो सेम ही रहना है। बात आती है कि दोनों में से सर रिकमेंडेड कौन सा है, बेस्ट तरीका कौन सा है। अगर मैं बेस्ट तरीके की बात करूं तो बेस्ट तरीका हमारा लोडिंग रिवर्स करने वाला है। देखो मैंने आपको बताया था कि जब हम कंसाइनी को गुड्स भेजते हैं तो लोडिंग ऐड करके भेजने का पर्पस क्या है। अगर तो पर्पस है कि हम उसको कॉस्ट बता देते हैं, कंसाइनी को कॉस्ट बता देते हैं, इतनी कॉस्ट है, हम इसमें लोडिंग ऐड करके दे रहे हैं इसलिए कि आपको मिनिमम इस प्राइस पर बेचना है, इसलिए हम आपको ऐड करके दे रहे हैं, कॉस्ट कंसाइनी को पता है, फिर तो बच्चे चाहे उस केस में आप कॉस्ट पर ही कंसाइनमेंट स्टॉक को दिखा दो या कॉस्ट पर ही रिटर्न को ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हमारा पर्पस, जब हमने लोडिंग ऐड करके गुड्स भेजे थे, हमारा पर्पस है कंसाइनी को कॉस्ट नहीं बताना, कंसाइनी को हमारी कॉस्ट नहीं पता चलनी चाहिए, ये पर्पस है। अगर ये पर्पस है तो ऐसे केस में कौन सी प्रेजेंटेशन बेस्ट है? ऐसे केस में ये वाली प्रेजेंटेशन बेस्ट है कि जब भी गुड्स रिटर्न लोगे तो डॉक्यूमेंटेशन पे इनवॉइस वैल्यू लोडिंग ऐड करके ही लो, बाद में आके आपको इंटरनली पता है तो इंटरनली आप लोडिंग को रिवर्स कर दो, कंसाइनी को पता ना चले। तो सेम कंसाइनमेंट स्टॉक के लिए भी ऐसा ही करो, यहाँ पे हम कंसाइनमेंट स्टॉक को हमेशा ऐड करके चलते हैं। तो मैंने आपको दोनों तरीके बताए कि अल्टीमेटली रिकॉर्ड तो कॉस्ट पर होता है, आप सीधा कॉस्ट पे ले लोगे आंसर तब भी ठीक आएगा, लेकिन लोडिंग ऐड करके रिवर्स करने की जो प्रेजेंटेशन है उसका पर्पस है कि कंसाइनी को हमने लोडिंग ऐड करके दिए, और हो सकता है हम कंसाइनी को कॉस्ट नहीं बताना चाहते, तो इसीलिए हम उसको एक बार
इनवाइस प्राइस पर ही रखते हैं, क्योंकि हमारे भी जो डॉक्यूमेंटेशन होनी है, जो भी डॉक्यूमेंट्स बनने हैं, अब गुड्स रिटर्न होंगे तो ऐसा नहीं है बस गुड्स उठाओ और लेकर आ जाओ, रिटर्न के केस में भी बच्चे डॉक्यूमेंटेशन होगी, डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, तो अब उस डॉक्यूमेंट्स में क्या वैल्यू डाली जाए गुड्स रिटर्न की, ये मैटर करता है ना। तो अगर हम कंसाइनी को कॉस्ट बताना ही नहीं चाहते हैं और हमने लोडिंग ऐड करके भेजे थे, तो जब हम रिटर्न लेंगे तो भी हम लोडिंग ऐड करके ही रिटर्न लेंगे, जो डॉक्यूमेंट्स हम दोनों के बीच में कम्युनिकेशन रहेगा उसमें वैल्यू लोडिंग ऐड करके ही दिखाई जाएगी, कंसाइनी को पता ही नहीं चलेगा क्या कॉस्ट है। लेकिन जब गुड्स आ जाएंगे अपने अकाउंट में, ये कंसाइनमेंट अकाउंट तो कंसाइनर का है, ये कंसाइनमेंट अकाउंट तो कंसाइनी का है ही नहीं, कंसाइनी से शेयर ही नहीं होता, कंसाइनी को कोई मतलब ही नहीं है इससे, तो अपने अकाउंट के अंदर हम बाद में लोडिंग को रिवर्स कर देते हैं। तो यहां पर मैंने आपको ये बताया था कि आपको जो गुड्स सेंट हैं वो कॉस्ट पर आएंगी, क्लियर। तो कॉस्ट जो है हमारी वो है 1,25,000 रुपीज, कॉस्ट 125,000 रुपीज है, तो 125,000 रुपीज इस कॉस्ट में से 1/5 गुड्स रिटर्न हो गए, तो इसका मतलब 25,000 रुपीज की कॉस्ट के गुड्स रिटर्न हो गए, 25,000 रुपीज कॉस्ट के गुड्स रिटर्न हो गए। अब वही दो प्रेजेंटेशन, या तो सीधा कॉस्ट पे दिखा दो 25,000 रुपीज, या दूसरी प्रेजेंटेशन इसके अंदर लोडिंग ऐड करो पहले, और लोडिंग कितनी हो जाएगी, टोटल लोडिंग 25,000 रुपये की है, 1/5 रिटर्न हुए हैं, तो 5,000 रुपये की बच्चे लोडिंग हो जाएगी। तो दूसरी प्रेजेंटेशन है इनवाइस वैल्यू और लोडिंग के साथ, यानी कि 30,000 पे पहले आप क्रेडिट साइड पे दिखाओ और उसके बाद रिवर्स कर दो लोडिंग को 5,000 रुपये। तो अगर मैं सब की बात करूं, गुड्स रिटर्न की भी, कंसाइनमेंट स्टॉक की भी, गुड्स सेंट की भी, इनवाइस वैल्यू वाले क्वेश्चन में, तो ऐसे क्वेश्चन में बच्चे 3 बार लोडिंग की बात हो जाती है, 3 बार लोडिंग रिवर्स होने की बात हो जाती है। एक बार जब गुड्स सेंट किए थे इनवाइस वैल्यू पे, सबसे पहले जो हमने यहां पे लिखा ही है, सबसे पहले हमने गुड्स सेंट किए थे और उसकी लोडिंग को हमने रिवर्स कर दिया, रिवर्स कहां होगा, अपोजिट साइड पे। दूसरा कंसाइनमेंट स्टॉक, लोडिंग ऐड करके दिखाया, रिवर्स कर दिया डेबिट साइड पे, लेकिन कंसाइनमेंट स्टॉक के लिए नाम यूज किया स्टॉक रिजर्व का। और तीसरी बार फिर से लोडिंग को रिवर्स करने की बात आ जाएगी अगर हम प्रेजेंटेशन गुड्स रिटर्न के केस में भी प्रेजेंटेशन लोडिंग वाली लेते हैं। फर्स्ट प्रेजेंटेशन यहां पे 25,000 ले लो बस, कॉस्ट पे ले लिया, अब लोडिंग रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। दूसरी प्रेजेंटेशन जो रिकमेंडेड है वो है 30,000 यहां पर लो, लेकिन इसमें 5,000 रुपये लोडिंग की है, फिर से 5,000 लोडिंग को यहां पे रिवर्स करो, लेकिन यहां पर जब रिवर्स करोगे तो अब क्या नाम लोगे, वही गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ये आपके बच्चे लोडिंग ऑन रिटर्न, ये भी आपके आ गया 5,000 रुपये का। यहां कंफ्यूज मत होना, दो दो बार 5,000 क्यों है, एक बार कंसाइनमेंट स्टॉक की लोडिंग को रिवर्स किया है, एक बार गुड्स रिटर्न की लोडिंग को रिवर्स किया है, क्लियर। तो आप 25,000 भी ले लोगे तब भी क्वेश्चन आपका ठीक है, गलत नहीं होगा, मार्क्स आपको मिल जाएंगे, बट जो बेस्ट प्रेजेंटेशन है वो ये है कि आप लोडिंग को रिवर्स करो। तो अगर मैं बात करूं, जब भी आपने गुड्स सेंड किए थे तब भी रिवर्स करने के लिए आपने गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट लिखा, और जब गुड्स रिटर्न की बात आएगी तो भी आप लोडिंग को रिवर्स करने के लिए गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट यूज करोगे, ठीक है। टोटल 3 लोडिंग रिवर्स हो रही है, जो मैंने ये 3 हाईलाइट की हैं, टोटल ये 3 लोडिंग रिवर्स हो रही है। किस किस चीज की 3 लोडिंग रिवर्स हो रही है, पहली गुड्स सेंट किए इनवॉइस वैल्यू एड है तो रिवर्स करो, दूसरा कंसाइनमेंट स्टॉक इसमें आपकी इनवॉइस वैल्यू एड है रिवर्स करो, तीसरा जो गुड्स रिटर्न किए इसमें इनवॉइस वैल्यू एड है रिवर्स करो, डेबिट वाले के लिए क्रेडिट में रिवर्स कर दिया, क्रेडिट वाले के लिए डेबिट में रिवर्स कर दिया, क्लियर। तो यहां पर हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट कंप्लीट हो जाता है, और जो मेन हमें टॉपिक समझना था, कॉन्सेप्ट समझना था,
वो वाला पार्ट भी यहां पर कंप्लीट हो जाता है। कंसाइनमेंट अकाउंट का मैं टोटल कर लेता हूं एक बार। ₹1,25,000 प्लस 30,000 प्लस 32,100 187,100। वैसे पहले एक बार डेबिट का भी टोटल कर लेना चाहिए, क्या पता इस क्वेश्चन में लॉस हो। देख लेते हैं, मैं तो रफ कर दूंगा, आप इसको पहले रफली एक बार साइड पे लिख लिया करो। 185,250 डेबिट साइड मेरी शॉर्ट ही आ रही है, तो क्रेडिट साइड ही मेरी एक्सीड कर दी है, तो क्रेडिट साइड वाला टोटल दोनों जगह पे लिख देना। डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 185,250, 1,850 रुपये का जो डिफरेंस है वो बच्चे मेरे पास प्रॉफिट हो गया। टू प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट, और ये मेरे पास आ गया प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, तो ये मेरे पास प्रॉफिट हो गया। क्लियर? तो अगर मैं आपको ये दिखाना चाहूं, कंसाइनमेंट अकाउंट और इसका वर्किंग मॉडल, यहां पर जो मेन हमारे पास पॉइंट था गुड्स रिटर्न का, उसके बारे में मैंने आपको कॉन्सेप्ट को डिटेल में बताया कि क्यों हम इसको कॉस्ट पर रिकॉर्ड करते हैं। तो अगर आप यहां देखोगे तो ये कॉस्ट पर रिकॉर्ड हुआ है। 30,000 माइनस 5,000 25,000, 25,000 क्या है? कॉस्ट है। इनवॉइस वैल्यू तो 1,50,000 थी ना, कॉस्ट हमारी टोटल 1,25,000 थी, इसका 5%, ओ सॉरी इसका 1/5, यानी कि 25,000 रुपीज ये कॉस्ट थी, और नेट यही कॉस्ट हमारी रिकॉर्ड हुई है 30-5 करके। क्लियर? प्रेजेंटेशन मैंने आपको बता दिया कि दोनों प्रेजेंटेशन ठीक है, आप चाहो तो ये प्रेजेंटेशन भी ले सकते हो कॉस्ट वाली, तो भी ठीक है। अमाउंट तो दोनों ही केस में सेम अमाउंट ही रिकॉर्ड हो रहा है, अमाउंट तो दोनों ही केस में सेम हो रहा है, प्रेजेंटेशन का फर्क है सिर्फ। प्रेजेंटेशन के लिए अगर रिकमेंडेड की बात करूं तो आप लोडिंग रिवर्स करने वाली प्रेजेंटेशन फॉलो करोगे। क्लियर? इस क्वेश्चन में और क्या मांगा था एक बार देख लेते हैं। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस सफर्ड बाय टू पार्टीज। प्रॉफिट एंड लॉस अगर मैं बात करूं कंसाइनर की, तो कंसाइनर का बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस निकल के आ ही गया है। कंसाइनी के प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो कंसाइनी का मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस बेशक यहां पर बनाकर दिखा देता हूं। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है हमारे पास कंसाइनी का। कंसाइनी हमारे पास कौन है? बी है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ बी, जनरली ये पूछता नहीं है, बट अगर पूछ भी लेता है तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसा होता है? डेबिट में सब एक्सपेंस और कॉस्ट, क्रेडिट की बात करें सब इनकम्स। तो इसको कमीशन इनकम मिली थी, तो बाय कमीशन, इसको कमीशन इनकम मिली थी, इनकम क्रेडिट में आ जाएगी। ये कंसाइनी अकाउंट नहीं बन रहा, ध्यान रखना, कहीं आपको लगे सर कमीशन तो डेबिट में आती थी, वो बच्चे कंसाइनी का जब अकाउंट बनता था, कंसाइनर की बुक में कंसाइनी का अकाउंट। यहां पर बात हो रही है कंसाइनी की बुक की, कंसाइनी ने अपनी बुक्स में, कंसाइनी ने अपनी बुक्स में कमीशन को डेबिट में रखा था, लेकिन जब वहां से प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, जब प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा तो ये क्रेडिट में पहुंच जाएगा। क्लियर? तो बाय कमीशन, कमीशन हमारी यहां पर थी। और अगर आप अदरवाइज भी देख लो तो हम इनकम जो भी है हमारी वो क्रेडिट होती है, जो भी एक्सपेंस है वो डेबिट होते हैं। तो कमीशन यहां पर है 10,000 रुपीज की, 10,000 रुपये कमीशन। एक्सपेंस कौन सा है कंसाइनी ने? कंसाइनी ने तो कोई भी एक्सपेंस बियर नहीं किया, बट यस यहां पर इसको एक बैड डेट्स का लॉस हुआ, एक बैड डेट्स लॉस यहां पर हुआ है कंसाइनी को। कितना अमाउंट का था? 4,000 रुपये के बेड डेट्स, ये था, ये लॉस यहां पर बियर करना पड़ा था, क्योंकि
किसको बियर करना पड़ा था? ये कंसाइनी को बियर करना था। तो 4,000 रुपये यहां पर आ जाएंगे, किस बात के हो जाएंगे? ये एक एक्सपेंस है बेसिकली, बैड डेट्स, कंसाइनर डेटर्स हैं। तो ये कंसाइनर के डेटर्स, लेकिन इसका लॉस कंसाइनी को बियर करना पड़ेगा क्योंकि कंसाइनी ने डेल क्रेडिटर कमीशन भी ली थी। ये जो कमीशन है ये इंक्लूडिंग डेल क्रेडिटर है, जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। क्लियर? तो अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट या लॉस की, तो नेट प्रॉफिट जो हो जाएगा, नेट प्रॉफिट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6,000 रुपीज का। ये हमारा आ गया नेट प्रॉफिट। अगर बात की जाए इस कंसाइनमेंट पर कंसाइनी को क्या प्रॉफिट या लॉस हुआ, तो उसको नेट प्रॉफिट 6,000 रुपए का हो गया होगा। अगर वो बेड डेट्स बियर नहीं करता तो 10,000 रुपए का प्रॉफिट होता। अगर मतलब बेड डेट्स नहीं होती, अगर बेड डेट्स होते ही नहीं तो उसको पूरा 10,000 का प्रॉफिट होता, क्योंकि बेड डेट्स हो गए हैं और लॉस कंसाइनी को बियर करना है, तो इसीलिए 6,000 रुपए का उसका नेट प्रॉफिट यहां पर बन जाता है। जनरली बहुत ही कम ये पूछा होता है, बट अगर ऐसा पूछ ले तो आप इस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर भी दिखा सकते हो, और अकाउंट नहीं मांगा, नॉर्मली पूछ लिया कि उसको क्या प्रॉफिट्स होंगे, तो आप जनरल स्टेटमेंट के तरीके से भी कि कमीशन इनकम 10,000 माइनस बेड डेट्स लॉस 4,000 और 6,000 रुपये नेट प्रॉफिट, ऐसा भी दिखा सकते हो। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रेजेंट नहीं करना, स्पेशली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं मांगा, और आप क्वेश्चन के मार्क्स देख के आपको लग रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, तो नॉर्मल एक स्टेटमेंट ही बना सकते हो बस, कि कमीशन इनकम 10,000 ऊपर लिख दोगे, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ कंसाइनी, कमीशन इनकम 10,000 माइनस बेड डेट्स लॉस 4,000, नेट प्रॉफिट 6,000, बस बात खत्म। क्लियर? तो यहां पर मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंसाइनी का बना के दिखा दिया। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किसका है? ये कंसाइनी का है। कंसाइनर का तो बच्चे कंसाइनमेंट अकाउंट बनता है, कंसाइनमेंट अकाउंट ही बताता है कि कंसाइनर को क्या प्रॉफिट या लॉस हुआ इस कंसाइनमेंट में। क्लियर? बाकी और कोई अकाउंट्स की जरूरत थी नहीं हमें इसके अंदर, ये दो अकाउंट्स मांगे थे। क्लियर? तो यहां पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।